तो ये जो मेरे हाथ में अभी स्मार्टफोन है, ये लगभग 3 से 4 साल पुराना स्मार्टफोन है, और इसी से जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी से आ रही है डायरेक्टली। कैसे इस क्वालिटी की ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ एक स्मार्टफोन से, बजट स्मार्टफोन से, OnePlus 6 है, और आप कैसे कर सकते हो जो आपकी पॉकेट में हो उसी स्मार्टफोन से कैसे अपनी YouTube वीडियो के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो आप वॉइस ओवर दे रहे हो या फिर चाहे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपर जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। कैसे करना है, कैसे उसके बाद एडिट करनी है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी YouTube वीडियोस से सिर्फ अपने स्मार्टफोन की हेल्प से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये आ रही है मेरे माइक्रोफोन से। ये माइक्रोफोन एक एक्सपेंसिव माइक है, वायरलेस माइक है, जो है रोड वायरलेस GO 2 सेकंड वर्जन है। तो 30,000 का माइक है भाई ये, और वहीं ये मेरा स्मार्टफोन 30,000 का 3-4 साल पुराना। अभी तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन अभी के जो माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे, और जो आपके पास है हो सकता है वो भी इस क्वालिटी का होगा या फिर इससे बेटर होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो आप, ये डिफरेंस है एक माइक्रोफोन का और एक स्मार्टफोन की माइक का। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले चीज़ ये जान लेते हैं कि आपको ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करना सबको आता है, सिंपल सा साउंड रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन होता है उसको ओपन करो और ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, या फिर वीडियो बनाई वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन ये सही तरीका नहीं है अपने फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करने का। मतलब आप कैसे अपने फ़ोन का बेस्ट यूज़ कर सकते हो, जो आपका माइक है फोन का उसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है रैकपॉड। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है लेकिन मैं पर्सनली रैकपॉड यूज करता आ रहा हूँ। जब मैं लेपल माइक यूज करता था बोया BYM1 तो रैकपॉड यूज करता था। तो आपको क्या सिंपल सा आना है, प्ले स्टोर में सर्च करोगे रैकपॉड नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डायरेक्ट जाके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, एक बार रैकपॉड इंस्टॉल हो गया, रैकपॉड इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसी विंडो आएगी, मैंने काफी सारी रिकॉर्डिंग कर रही है। आपको क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है, यहाँ पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है माइक नजर आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है और नॉइस सप्रेशर को इसको चेक कर देना, टिक कर देना, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा होगा इसके टिक कर देना। इससे बेनिफिट क्या होगा, छोटी मोटी जो नॉइज होती है कुछ इस टाइप की जो नॉइज होती है वो उसको हटा देगा, रिड्यूस कर देगा मतलब काफी हद तक। ठीक है, इसको ऑन कर देना। अब इसके पास सिंपल चीज है, आपको ये रेड कलर का बटन दिख रहा है रिकॉर्डिंग का, इसको क्लिक करना है। अब इसने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर आती है, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं या फिर जो भी आप चीज रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी ऑडियो जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हो। -dB है ना, जो हमारी वेव होगी ये छोटी हो जाएगी, आपको नजर आ जाएगा। जैसे मैं इसको कम करता हूँ, माइनस को मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब जो आपको जो वेव नजर आ रही होंगी वो छोटी आ रही होंगी। अगर मैं इसको वहीं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको बढ़ा दिया +5 कर देता हूँ, तो अब आपको जो वेव नजर आएगी वो बहुत ज्यादा बढ़िया आएगी। तो बस एक बार ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद इस पर क्लिक किया। अब नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया हमने, ये हमारी ऑडियो, इसको एडिट करना है अपने को। एडिट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे, हम एडिट करने के लिए यूज करेंगे Lexis Audio Editor। शायद मैंने एक या दो बार यूज किया लेकिन अच्छे से काम करता है, स्मार्टफोन के लिए उस जैसा कोई और एडिटर नहीं आता है ऑडियो के लिए। तो आपको सर्च करना है Lexis Audio Editor, इसका भी लिंक मैं नीचे से डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। एक बार आपका जब Lexis Audio Editor इंस्टॉल हो जाए तो इसको ओपन करने का है, उसके बाद ये लैंडस्केप में आता है, पोर्ट्रेट में नहीं आता है, ओनली वेन यूजिंग द ऐप अलाउ कर दिया। उसके बाद जो अपनी फाइल है उसको ओपन करना है, ओपन पर क्लिक किया मैंने, जो मेरी फाइल थी रिकॉर्ड पे होगी वो क्लिक किया, ओपन किया, प्ले करके देख लेते हैं एक बार। अब इसने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर आती है, अगर आप ऐसी जगह पर, तो हमारी यहाँ पर पूरी ऑडियो आ चुकी है, वेव्स हमें नजर आ रही है ज्यादा कम जहाँ पर अभी हमने किया था। ठीक है, अप डाउन करके देखा था, टॉप राइट कॉर्नर पे आना है हमें, टॉप राइट कॉर्नर पे इफेक्ट्स के अंदर जाओगे, अगर आपको जितने भी इफेक्ट्स होंगे इसमें आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे इफेक्ट्स मुझे Adobe Audition पर भी नजर आते हैं, PC का सॉफ्टवेयर है, मैं उसी को यूज करता हूँ अपनी ऑडियो को एडिट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे इफेक्ट्स है, सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, नॉइज रिडक्शन। जितनी भी आसपास हमारी नॉइज है जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसको हमें रिमूव करने की जरूरत है। हमने रैकपॉड से भी रिमूव कम करा था उसको और यहाँ से भी और कम कर दिया, नॉइज रिडक्शन पर गए। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, अगर आप यही चाहते हो तो अप्लाई कर दो सिंपल, लेकिन आपको इसमें रेट का ऑप्शन मिलता है, मतलब किस लेवल तक लगाना चाहते हो, कितना ज्यादा नॉइज रिडक्शन लगाना चाहते हो, सिंपल है काफी लोगों के लिए। रेट को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ज्यादा नॉइज रिड्यूस करेगा, नॉइज आसपास जो बैकग्राउंड नॉइज है उसे ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो मतलब आपकी ऑडियो की जो लेवल होंगे, डेसिबल्स होंगे, डीबी होगा, वो भी कम हो जाएगा साथ में, लेकिन आपको ज्यादा नहीं करना, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। मैं फिलहाल के लिए 30 करता हूँ इसको, अभी देखना। जो अपनी वेव्स है वो थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा छोटी हो गई है, ठीक है, तो नॉइज है वो बैकग्राउंड नॉइज ने काफी हद तक हटा दी है अपने हिसाब से। मैं इसको प्ले करके देखूंगा, तो अगर मैं इसको एयरफोन लाके एक बार सुनूंगा तो ये नजर आएगा, मुझे समझ में आया कि और ज्यादा बेटर हो चुकी है मेरी ऑडियो, एडिट कर चुकी है। अगर आप बाकी कुछ और चीजें करना चाहते हो, जैसे नॉर्मलाइज काफी जरूरी होता है ऐसे करना,
तो अगर नॉर्मलाइज करना चाहते हो सारी सेटिंग अप्लाई करने के बाद, तो नॉर्मलाइज पे क्लिक करा, ये हमारी जो ऑडियो होगी अप डाउन उनको काफी तक नॉर्मलाइज कर देगा। तो आपको रैकफोर्स की हेल्प से ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद सेकंड चीज लेक्सिस ऑडियो एडिटर, उसके हेल्प से आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड करी थी उसको एडिट करना है। एडिट करना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक इफेक्ट लगाना है, और नॉर्मलाइज करना चाहते हो उसको कर सकते हो, और थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो, वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहते हो, छोटी मोटी चीजें कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा एंड में आपके साथ दो टिप्स और शेयर करना चाहता हूँ। सिंपल सी एक टिप ये है कि आप अपने फोन है जो जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, तो एक चीज करो कि फोन को स्टार्ट यहाँ पे सीधे ऐसे मत रखो, जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको आवाज सुनाई देगी नहीं। तो ये हमेशा हर माइक्रोफोन में होता है, वैसे जो हमारा कंडेंसर माइक होता है उसमें हर माइक्रोफोन में होता है कि अगर आप स्ट्रेट रखते हो, ऐसे स्ट्रेट बोलते हो, तो आपका जो आवाजें आती है, फूक की आवाज आती है, फ ब स ऐसे कुछ आवाज़ें आती है जब भी हम वर्ड्स बोलते हैं, तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसको साइड से रिकॉर्ड करो, वो ज़्यादा बेटर होगा, आपकी जो हवा होगी वो निकल जाएगी स्ट्रेट। और यहाँ पर ये अगर आप ऐसे निकल जाए तो कपड़ा लगा सकते हो कोई, वो भी आपका काम कर देगा आसान। दूसरी एक और चीज़ जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, वो है अपनी एको कम करना। अगर आपका कोई जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड करते हो अपनी ऑडियो, ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करो जहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजे ना। खाली रूम है तो वहाँ पर मत रिकॉर्ड करो, जितना हो सके ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करो जहाँ पर कपड़े हो, या तो फिर भरी भरी जगह हो जहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजे ना ज़्यादा, तो ऑडियो में और बेटर लगेगा, क्वालिटी बेटर हो जाएगी मेरा मतलब। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे एक चीज बताना कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो जिससे आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर करने वाले हो। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।